गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेक योर टेस्ट फ्रॉम इंग्लिश क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम हनीसकल। बच्चों आज आप लोग की क्लास टेस्ट होगी जो मैंने फर्स्ट चैप्टर हनीसकल से पढ़ाया है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ओके, और आज की क्लास में हम लोग टेस्ट लेंगे आपका हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क का। और उसमें क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा वर्ड मीनिंग आपका रहेगा 4 टोटल रहेंगे 2 मार्क्स के। फर्स्ट रहेंगे आपके इग्नॉर्मस, ठीक है, और सेकंड क्या है ग्रैम्प्ट। इग्नॉर्मस की IGNORAMUS इग्नॉर्मस। सेकंड है ग्रैप GRABBED ग्रैप। थर्ड है विच WHICS नहीं WITCH विच। एंड लास्ट आपका है येल्ड YELLED येल्ड। ओके, नाउ कम टू माय पॉइंट्स। सेकंड क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू में है फर्स्ट क्वेश्चन है हु डिड वांट टू डू हिज होमवर्क। ठीक है, हु डिड वांट टू डू हिज होमवर्क, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन एमसीक्यू। ऑप्शन नंबर 1 इज राहुल। सेकंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सोहन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज पैट्रिक्स एंड ऑप्शन नंबर थर्ड इज राहुल एंड फोर्थ एनओटी, नन ऑफ दिस। ओके, नाउ कम टू माय सेकंड क्वेश्चन। हु इज द राइटर ऑफ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। फर्स्ट वन इज ईवी लुकस EVLUCAS लुकस। एंड सेकंड इज पीटर, सेकंड इज कैरल मॉरी CAROL कैरल MORE कैरल मॉरी। एंड थर्ड इज पीटर डिक्शन PETER DIXON पीटर डिक्शन। एंड लास्ट वन NOT नन ऑफ दिस। ओके, खेल रही थी उसमें रियलिटी क्या थी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। व्हाट इफ पैट्रिक थिंग हिज कैट वाज प्लेइंग विद, मतलब जो पैट्रिक की कैट थी वो किसके साथ खेल रही थी। ठीक है, ये पैट्रिक सोच रहा था और इसकी क्या रियलिटी थी। ठीक है,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे यही कह रहा है, ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए ना।